हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लियर आ रहे हैं यूट्यूब चैनल में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 और उसका आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है, जल की गुणवत्ता मैंने आपको समझा दी थी, आदर्श जल क्या होता है, सुरक्षित जल क्या होता है वो मैंने सब बताया था, जल की प्रॉपर्टीज क्या होती है मतलब गुण क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया, और फिर गुणवत्ता से रिलेटेड कुछ पैमाने थे, TDS क्या होता है, pH क्या होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है वो सब भी मैंने आप लोगों को बताया। फिर इसके बाद हम शोधन की बात कर रहे थे, तो शोधन में मैंने आपको घरेलू विधियां चल रही थी अपनी, और घरेलू विधि में मैंने आपको पहले आसवन विधि बता दी थी, फिर इसके बाद में हम कर रहे थे क्या रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां भी कंप्लीट हो गई थी ब्लीचिंग पाउडर के साथ में, KMnO4 के साथ में, और फिटकरी जिसको हम बोलते हैं, और फिर क्लोरीन टिकिया के साथ में भी हमने कर ली थी, क्लोरीन गैस के साथ भी हमने कर ली थी, ये मुख्य मुख्य थे। इसके बाद में मैं बता रहा था आपको कतादियन फिल्टर, तो एक्चुअली टाइम कम था तो हम लोग कर नहीं पाए थे, कतादियन फिल्टर को अभी करते हैं। ठीक है, क्या होता है कतादियन फिल्टर, देखो ये सिंपल एक फिल्टर है, जैसे पानी इधर से बह के आ रहा है, ठीक है, आपने नल खोला तो ये पानी यहां से गिरेगा, आप क्या करो इस फिल्टर को यहां लगा दो, ये फिल्टर आपने लगा दिया, इस फिल्टर पे क्या है चांदी की परत चढ़ी रहती है। अब वो चांदी की परत तो चढ़ी रहती है, अब ये चांदी जो है ना ये नैनो चांदी है, नैनो कणों से बनी हुई चांदी है। आपको पता है मैंने आपको जब नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि नैनो स्तर पे चांदी के गुण बदल जाते हैं और ये बैक्टीरिया को मारने लगते हैं। तो ये जो मैंने फिल्टर बनाया कतादियन फिल्टर, ये फिल्टर क्या कर रहा होता है जितने भी बैक्टीरिया आ रहे होते हैं उन्हें मार देता है, और सिर्फ क्या करता है जो पानी जो होता है शुद्ध पानी उसको जाने देता है। परंतु इस फिल्टर के साथ एक समस्या एक है, वो क्या है कि ये बैक्टीरिया को तो मारता है लेकिन ये किसको नहीं मार पाता, विषाणु वायरस को नहीं मार पाता, तो विषाणु साथ में आ जाते हैं। ठीक है, ये अपना था कतादियन फिल्टर का काम, कोई दिक्कत, ये हो गया। अब हम डोमेस्टिक विधि सारी कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद में अब हम देखेंगे तकनीकी विधि कौन कौन सी है। ठीक है, तो तकनीकी विधियों में हम देखेंगे सबसे पहले अल्ट्रा फिल्टर, या फिर मैं ठीक से बताता हूं इनको तकनीकी विधि को, दो तीन तरीके की तकनीक अभी तक बन के आई है पानी को शुद्धिकरण करने के लिए बड़े स्तर पे। ठीक है, तो एक तो क्या है, एक फिल्टर आया है सिंपल, बस फिल्टर का इस्तेमाल करके, कौन सा फिल्टर का इस्तेमाल करके, अभी फिल्टर कैसे है, ये फिल्टर जो है ना वही या तो नैनो फिल्टर है या फिर क्या है अल्ट्रा फिल्टर है या फिर क्या है माइक्रो लेवल के फिल्टर है। ये क्या करते हैं विषाणु बैक्टीरिया सबको रोकने की मदद कर रहे होते हैं, और इनसे जो है एक लार्ज स्तर पे जो है पानी इकट्ठा किया जा सकता है, पानी तैयार किया जा सकता है। एक तो ये हो गया, दूसरा मैं आपको बताता हूं रिवर्स ऑस्मोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और इसको ठीक से देख लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस को आपने सुना होगा, हर इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं RO, आपको पता होगा कि जब भी आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं कुछ भी, भाई इस लाइब्रेरी में तो RO का पानी आता है, भाई मेरे घर पे तो RO का पानी आता है, लेकिन मैं बता रहा हूं RO समझ में नहीं है लोगों को, इस RO होता क्या है, तो आज हम इसको ठीक से देख लेते हैं, बहुत बिल्कुल बेसिक देखेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक, जिससे आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओ। देखो अपना उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य है कि ये जो गंदा पानी है ये क्या है, गंदा पानी है। ठीक है, गंदे पानी को हमें क्या बनाना है, अच्छा पानी बनाना है। अब सुनो मेरी बात, गंदे पानी को क्या करना है, अच्छा पानी, ये सिस्टम आपको चाहिए, गंदा पानी ये रहा, गंदे पानी से हमको अच्छा पानी बनाना है। तो मैंने क्या किया कि एक मैंने नॉर्मल, ऐसे देखो आप कि अब देखो गंदे से अच्छा बनाने के लिए आपके पास में कौन सा मेथड हम काम में लें, तो उस मेथड को मैं आपको लेके चल रहा हूं इस वाले पे, रिवर्स ऑस्मोसिस पे। तो पहले मैं सिर्फ लूंगा काम में ऑस्मोसिस शब्द, ठीक है, सिर्फ मैं ऑस्मोसिस शब्द काम में ले रहा हूं। मैंने क्या किया, एक यहां पे मैंने क्या लगा दी, SPM, ये नाम है आपको याद रख लेना है, अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसको बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने झिल्ली लगा दी, ये झिल्ली लगा दी मैंने, ये इधर गंदा पानी है, ये इधर थोड़ा सा अच्छा पानी, क्योंकि अच्छा पानी तुमको निकालना है ही नहीं हमारे पास, गंदा पानी ऊपर लाइब्रेरी की टंकी पे टंकियां रखी हुई है,
वो गंदा पानी तो है लेकिन अच्छा पानी नहीं है अपने पास। अच्छा पानी अब हम देखते हैं कि इधर जो थोड़ा बहुत पानी है और इधर काफी सारा पानी है, लेकिन आप ऐसा करो ये SPM लगा दो, ये सब ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा दो, ये एक स्पेशल मैटर की बनी रहती है, यही लगाने की बात कर रहा हूं, इसको लगा दो आप। इसको लगाने के बावजूद भी क्या हो रहा है, देखो पानी इधर ऊपर तक भरा पड़ा है ना, इधर थोड़ा सा पानी है, ये देख रहे हो ये ज्यादा हाइट है, ये कम है, फिर भी आप देख रहे हो कि ये जो अच्छा पानी है वो इधर आ गया गंदे पानी की तरफ। तो क्या आप ऐसा चाहोगे कि अच्छा पानी उल्टा गंदे पानी की तरफ चला जाए, या फिर गंदा पानी अच्छे पानी की तरफ ही ना आए? आप तो ऐसे सोच लो कि यदि मैंने ये अच्छा पानी है भी नहीं है तो मेरे पास सिर्फ गंदा पानी है, मैं देख रहा हूं कि SPM से इधर जा ही नहीं रहा ये पानी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है ना कि इस इधर का जो प्रेशर है ना, प्रेशर वन, और इधर का जो प्रेशर है टू, प्रेशर वन जो है वो ज्यादा है प्रेशर टू से। क्या हो रहा है? प्रेशर वन ज्यादा है प्रेशर टू से। तो क्या होता है कि जिधर ज्यादा प्रेशर होता है उधर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ सिस्टम चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रहा होता है सिस्टम, ठीक है? तो ये एक व्यवस्था होती है नॉर्मल, क्या ऑस्मोसिस बोलते हैं सिस्टम को, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। कि जब ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें क्या क्या हो रहा होता है कि सॉल्वेंट, ये क्या है? सॉल्वेंट। और ये क्या है? इसमें तो गंदगी प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है और गंदगी मिली हुई मिट्टी भी, तो ये क्या है? सॉल्यूशन। ये एक स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप चलने वाला प्रोसेस है जिसमें मैं यदि अर्धपारगम में झिल्ली लगाता हूं तो जो सॉल्वेंट जो है, अच्छा पानी जो है, वो गंदे पानी की तरफ आता है। क्या ये वांछनीय? क्या हम ऐसा चाहते हैं? ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। मैं क्या चाहता हूं कि गंदा पानी अच्छे पानी की तरफ चला जाए और मस्त हम लोगों को यहां से पीने के लिए पानी मिलेगा, हम खुद पिएंगे, ठीक है? तो अब देखो, यदि मैं क्या करता हूं कि इधर जो प्रेशर ज्यादा था इधर प्रेशर कम था, मैं यदि इधर प्रेशर ज्यादा लगा देता हूं तो क्या होगा? इधर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और गंदे पानी से अच्छे पानी की तरफ फ्लो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही करते हैं, आपने सुना होगा कि RO में पंप की आवाज आती है, एक पंप चल रहा होता है एक RO में, वो क्या करता है? इधर का जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ा देता है। जब इधर का प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो इधर का प्रेशर कम रह जाता है, और इधर का प्रेशर कम रह जाने पे क्या होता है कि सिंपल जो गंदा पानी है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर अच्छे पानी की तरफ चलने लगता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देते हैं, ठीक है? अब हम घर वाले RO पे आते हैं। देखो घर वाला RO कैसे काम किया, टंकी में यहां पानी भरा पड़ा था हमारी में, ये रही मेरी टंकी, इसमें पानी भरा पड़ा था। यदि मैं मेरे इसका मैं इसका इसमें एक पंप लगा हुआ है, आपने वो बटन जो दबाते हो बटन, आप घर का जब RO चलाते हो तो एक स्विच दबाते होंगे ना, इस ये रहा स्विच, इसको अब मैं आप प्रेस करो, आपने प्रेस किया, प्रेस करते क्या हुआ? कुछ नहीं होता है, इसमें जो पंप लगा हुआ है वो पंप चलने लगता है। अब ये जब ये पंप चलने लगता है ना, तब इधर का प्रेशर ज्यादा होता है। अब इधर का प्रेशर बढ़ गया, ये लगी हुई रहती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपने देखे होंगे खोखे से बने रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये फिल्टर है, ये वाला फिल्टर है, ऐसी करके एक रहती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी रहती है। अब उससे ये जो है ऐसे करके पास होकर के और यहां पानी जो है अच्छा वाला पीने को आता रहता है। बाकी यदि ये पंप ना लगे ना तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं है, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा करना कभी जब पंप खराब हो जाए ना, तब उसको आप बस ऐसे ही बस उसका जो सिस्टम है उसको ओपन चला देना, वो जो पानी जो होगा ना यहां बढ़ जाता है और फिर यहीं से फैलने लगता है वापस से। कभी देखना उसको, वो क्यों फैलने लगता है? कि वो इधर तो जा ही नहीं रहा, इधर तो जा ही नहीं रहा वो पानी, वो इधर जब एक्सेस हो जा रहा है पानी तो यहीं से फैलने लगता है बार बार। इसलिए आपने देखा कभी कभी जो पानी निकलते हुए देखा होगा लाइब्रेरी वगैरह में। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या कहना चाह रहा हूं। दोबारा से लास्ट के दो शब्दों में सुन लीजिए, दो मिनट में, कि सिंपल जब हमारा सिस्टम चल रहा था तब क्या था? अच्छा पानी इधर था जिसको हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं, इधर क्या था? पानी प्लस गंदगी थी। तो इसके बीच में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने के बाद में, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है इधर प्रेशर कम है, तो पानी का फ्लो कैसे हो रहा था? पानी का फ्लो ऐसे हो रहा था जो कि वांछनीय नहीं है। अच्छा पानी बुरे पानी की तरफ जा रहा है, हमको ये पसंद नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? बुरे पानी को अच्छे पानी की तरफ भेजना है। तो क्या करना पड़ेगा कि हम इधर जो है प्रेशर कैसे भी करके बढ़ा दें और इधर का कम रह जाए। तो इधर मैं क्या करता हूं, मैं एक्स्ट्रा पंप लगा दे रहा हूं, उससे प्रेशर इधर का ज्यादा बढ़ जाता है, फिर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर अच्छे पानी में कन्वर्ट होने लगता है। ये पूरा प्रोसेस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। कोई दिक्कत? और यही प्रोसेस है सबसे बढ़िया। फिर क्या होता है कि ये जो अच्छा पानी आ गया ना,
अब इस अच्छा पानी को और भी तुमको अच्छा बनाना है। ये बस अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, टीडीएस वगैरह सब मिल के आ जाते हैं जितनी जरूरत होती है हेमा मालिनी वाले। फिर इसमें आपको फिर भी आपको लग रहा है कोई हो सकता है विषाणु आ गया हो, तो क्या करो, यूवी फिल्टर्स होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होते हैं, मतलब अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, आपने सुनी होगी अल्ट्रा वायलेट रेज जो ओजोन के लिए ज्यादा खतरनाक रहती है, ओजोन लेयर के लिए, तो वो वाला फिल्टर आप लगा दीजिए। इस फिल्टर को लगाने से इसमें जो जितने विषाणु होते हैं या फिर गंध होती है ना पानी की, वो सब समाप्त हो जाती है। तो ये था संक्रमण से रुकावट। अपन लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी काम की बातें थी ना वो सारी याद कर ली, और इसको जरूर देख के चले जाना रिवर्स ऑस्मोसिस को, आपको यही का यही मिलेगा। मैं आपको पूरे इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। रही बात अब इसके कंक्लूजन की, तो देखो कंक्लूजन तो इसका कुछ है नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा एच पर आर रूटीन हम बताएंगे आपको। आप लोग मुझे कॉपरेट करो जितना ज्यादा हो सके उतना, आप लोगों को बताओ, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे अपना चैनल जो है उतना ही ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। और रही बात यह कि साइंस वगैरह ये सब सब्जेक्ट्स है ना, ये आपको यदि आपने क्लियर कर ली ना, तो आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे भले वो आरएएस वगैरह हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड वगैरह हो, रीट हो, चाहे कोई भी हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बहुत हाई रहेगा। और यदि आप स्पेशली भी आर्ट्स से हो तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो हम आप अब इसका क्या देखते हैं, निष्कर्ष, इस चैप्टर का कंक्लूजन देखते हैं। ओके, मैंने क्या किया, आप लोगों को बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं, यूनिवर्सल विलायक किसको कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जल जो होता है वो सुरक्षित कौन सा वाला है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आदर्श जल की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया जल के गुण कैसे होने चाहिए, जल के गुण, बहुत मोटा मोटा लिखना पड़ रहा है इसीलिए अब इसको दोबारा मिटा के फिर दोबारा करो, ठीक है। जल के गुण क्या क्या होने चाहिए, उसकी टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए, उसका पीएच कितना होना चाहिए, ठीक है, उसके उसमें नाइट्रेट कितना होना चाहिए, उसमें फ्लोराइड कितना होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली थी। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, ये वाली बात है। इसके बाद में आती है बात अगली, इसके शोधन की प्रक्रिया क्या क्या थी, ठीक है, शोधन के लिए। तो मैंने शोधन के लिए क्या क्या बताया था आपको, तीन तरीके बताए थे, दो बताए थे वैसे, एक था घरेलू विधि, और एक कौन सा बताया था, तकनीकी विधि, ठीक है। तकनीकी विधियों में क्या थे, तीन मैंने आपको बताए, कौन कौन से बताए, एक तो बताया था संक्रमण से मुक्त, एक कौन सा बताया, फिल्टर कौन सा, माइक्रो फिल्टर या फिर नैनो फिल्टर या फिर कौन से, अल्ट्रा फिल्टर, है ना, तीनों फिल्टर बताए। एक मैंने क्या बताया आपको, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये बताया था मैंने आपको तकनीकी विधि में, ठीक है। फिर घरेलू विधियों में मैंने आपको क्या बताया, एक तो सामान्य बताया, एक मैंने आपको कौन सा बताया, रासायनिक। ओके, अब रासायनिक विधियों में देखिए आप, इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं घर से, रासायनिक विधियों में देखिए, नंबर फर्स्ट कौन सा था, CaOCl2, ये क्या था, CaOH का होल ट्वाइस और Cl2 को मिलाकर के, भुजे हुए चूने को मिलाकर के और Cl2 मिला के हमने क्या बनाया था, ब्लीचिंग पाउडर बनाया था, ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाया था, जिसको 4/20, 4 किलोग्राम ले लो और 20 किलोग्राम, मैंने इसकी कमी और अच्छाई आपको दोनों चीजें बताई थी, ठीक है। फिर इसके बाद CaOCl2 के बाद मैंने आपको बताया था क्लोरीन गैस, ओके, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, क्लोरीन टिकिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, KMnO4, इसके बाद क्या बताया था, आयोडीन के द्वारा, और फिर क्या बताया था, कतादियन फिल्टर, कोई दिक्कत, कतादियन फिल्टर के बारे में क्या बताया था, कि ये जो है चांदी के उत्प्रेरक की मदद से बनाया जाता है, चांदी की परत चढ़ी रहती है जो कि नैनो कणों से बनी रहती है, वो किसको रोक देते हैं, बैक्टीरिया जीवाणुओं को तो रोक देते हैं परंतु विषाणु को नहीं रोक पाते हैं ना। और आयोडीन के बारे में क्या बताया, एक दो बूंद आयोडीन की, जो आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है, विलयन जो रहता है, उसको डाल दीजिए 1 किलोग्राम पानी में, तो पीने लायक हो जाता है। तो इससे कम अमाउंट का पानी जो है साफ किया जा सकता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट फिटकरी जो होता है, ये पानी का टेस्ट तो अच्छा बना देती है परंतु जो है ये शोधों से पता चला है कि जीवाणुओं को पूर्ण रूप से नहीं मार पाती है। क्लोरीन टिकिया बाजार में इजीली अवेलेबल होती है और थोड़ी सी महंगी जरूर होती है, और लेकिन ये क्या ज्यादा अमाउंट में पानी को ठीक कर सकती है। क्लोरीन गैस
पानी का टेस्ट बदल देती है और पानी में जीवाणुओं को मार देती है, परंतु ये ज़्यादा यदि उपयोग में ले ले तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, CaOCl2 मैंने आपको बताया कि इसमें यदि रखा रहता है तो एक तो उसकी क्या ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है, 4 किलोग्राम चाहिए मात्र 20 किलोग्राम पानी के लिए। फिर ऊपर से क्या है कि यदि रखा रहे और प्रॉपर तरीके से यदि इसको ठीक से ना रखा जाए तो Cl2 उसमें से उड़ जाती है, और Cl2 उड़ गई तो क्या है ये कोई काम का नहीं रहता क्लोरीन गैस उड़ जाने से। तो ये क्या थे, रासायनिक विधियां थी। मैंने आपको सामान्य विधि में कौन सी बताई थी, आसवन विधि बताई थी। आसवन विधि, आसवन विधि क्या होती है, उबाल करके जो करते हैं हम, आसवन विधि में कैसे करते हैं, पानी को रख दिया, हीट दे दी। अब मैंने आपको बताया कि इसमें ज्यादा अमाउंट में हम पानी को साफ नहीं कर सकते क्योंकि आपको हीट भी देनी पड़ रही है लगातार, फिर पानी ये 3-4 घंटे बाद ठंडा हो जाता है, जब ठंडा हो गया तो वापस से हो सकता है उसमें बैक्टीरिया आ जाए, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में किया तो समस्या हो सकती है। ये क्या थी, अपनी आसवन विधि थी। ठीक है, तो शोधन के तरीके जो आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हो चुके हैं। जल के गुणों में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, आदर्श जल के गुण दोबारा देख लीजिए, सुरक्षित जल दोबारा देख लीजिए। सुरक्षित जल वो जल होता है जिसको हमें लंबे समय तक उपयोग में लेने के बाद भी कोई तरीके की बीमारी ना हो, और जिसमें जो आदर्श जल के जो गुण होते हैं वो सभी मौजूद हो, उसको सुरक्षित जल कहते हैं। आदर्श गुण जल क्या होता है, आदर्श जल जो सुरक्षित जल होता है प्लस उसका पीएच, उसकी डीओ, उसकी टर्बिडिटी, उसकी गंदलापन और उसका ये नाइट्रेट, उसका फ्लोराइड सब जो है एकदम मस्त रहना चाहिए, एकदम लिमिटेड रहना चाहिए। ठीक है, TDS कितना रहना चाहिए वो बता देना चाहता हूँ। तो फिर मैंने आपको जल के कुछ गुण भी बताए थे, तो जल के गुणों में हम लोगों ने यही सब देख लिए थे, 4-5 चीज़ें। ये नाइट्रेट की कमी से क्या हो जाता है, ये ज़्यादा होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, फिर फ्लोराइड से फ्लोरोसिस हो जाता है, और पीएच वगैरह मेंटेन रहना चाहिए। मैंने आपको ये बताया कि कौन सा पानी सुचालक होता है, कौन सा कुचालक होता है, पुराने लेक्चर में देखना। सार्वत्रिक विलायक क्यों होता है, क्योंकि पानी जो है उसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही अवस्थाएं जो है वो मिक्स हो जाती हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं सार्वत्रिक विलायक। आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इस चैप्टर के साथ में ही ना आप लोग पढ़ना, कौन सा चैप्टर, इसी चैप्टर के साथ में आपको कंटिन्यू करना C25। मैं नाम बताया था चैप्टर का, वो है जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां। ठीक है, आधुनिक विधि तो क्या होती है, समर्सिबल लगा दिया, जेट पंप लगा दिया, हैंड पंप लगा दिया, वो सब क्या है, आधुनिक विधियां हैं। पारंपरिक विधि क्या होती है जल संरक्षण की, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक आज का वीडियो ठीक लगा होगा, आज अपने पास समय भी काफी बच गया, इस वीडियो में ऑलरेडी 17-18 मिनट का हुआ है। प्लीज दोस्तों आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, बहुत आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताओ चैनल के बारे में, मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन फील होगा। दोबारा एक चीज और बता देता हूं आपको, लिंक की प्रॉब्लम आ रही है नोट्स के लिंक की, वो भी देख लो दोबारा से। हर चैप्टर नैनो टेक्नोलॉजी जैसे है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसे है, उन चैप्टरों का पहला पहला वीडियो खोलो, वो उस वीडियो का नाम क्या होगा, उसमें लास्ट में P1 लिख रहा होगा, जैसे C1P1, C2P1, C3P1, C4P1, ऐसे करके। तो ये P1 खोलो आप, आपको सबके नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद में क्या हुआ है ना, बहुलक, अपररूप, संचारण, ये जो चैप्टर है ना, इन सब के जो नोट्स हैं वो एक साथ मैंने डाले हैं, और वो हर चैप्टर में एक साथ डाल दिए मैंने। 6-7 चैप्टर जो छोटे दो नंबर वाले जो चैप्टर है, इन सब के नोट्स मैंने हर चैप्टर में पहले वीडियो में डाले और एक साथ डाल दिए, तो आप किसी भी एक वीडियो से वो 20 पेज के नोट्स हैं उन सबको आप डाउनलोड कर लें एक ही साथ में, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, आप वीडियो देखते हो एटलीस्ट उसको लाइक किया करो हमेशा। ठीक है, उस पर कमेंट कर दिया करो नीचे, जिससे क्या और लोगों को भी पता चले कि यार हाँ हकीकत क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।